उसका कारण भी है, मैं अपने को बड़े संयम से रखता हूँ अपने आप को, तो इसलिए ठीक है। आप क्या कहना है रमेश जी, इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फिल्मों में काम किया, कभी वो जो पैशन है वो कैसे जिंदा है आपके एक्टिंग को लेके? क्योंकि हमारी लाइफ में एक्टिंग का ही महत्व है, हम बने केवल एक्टिंग करने के लिए हैं और कोई काम जानते ही नहीं है, ये हमारी मजबूरी भी है और हमारा शौक भी है। और दूसरा काम जानते तो शायद कुछ और सोचते, लेकिन कोई काम नहीं जानते सिवाय एक्टिंग, इसलिए एक्टर ही है और एक्टिंग काम करना है हमको। और विलन के तौर पे कोई लड़की के छेड़छाड़ का सीन होता तो क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि बहुत सालों तक हमने विलन के ही काम किया, लेकिन अभी इन फिल्मों में दोनों में मैं फादर का रोल कर रहा हूँ। हाँ, हीरोइन का फादर और दूसरे में हीरो का फादर, दोनों में फादर का रोल कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे ये रोल करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी इमेज जो है अभी एज फादर ही बनाना चाहता हूँ। बाकी कई साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, तरह तरह के करेक्टर कर रहा हूँ, पुलिस के, विलन के, यानी क्या क्या करेक्टर किए हैं, इतने 43 साल में कितने करेक्टर हो सकते हैं, इतने करेक्टर किए, लेकिन अभी मैं एज फादर इसमें कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी शुभकामनाएं इस पूरी दोनों फिल्मों के यूनिट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि ये फिल्म बने, रिलीज हो और सुपर हिट हो और इसमें सबको फ़ायदा हो। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से माहौल बना है ये फिल्म जो है बनेगी, रिलीज होगी और सुपर हिट होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।